हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन का आज आखिरी दिन था। प्रदेश के कई दिग्गजों ने आज अलग अलग सीटों से अपनी दावेदारी ठोकी। जेजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बबली ने भी आज टोहाना विधानसभा से अपना पर्चा भरा। इस मौके पर पार्टी के नेता और उचाना से उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी अपने नेता के साथ मौजूद रहे। दरअसल जेजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बबली पहले कांग्रेस में थे, मगर कांग्रेस में हुई अनदेखी से नाराज होकर वो जेजेपी में शामिल हो गए और पार्टी ने टोहाना सीट से उन पर भरोसा जताया। इससे पहले यह सीट प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह के नाम होने वाली थी, मगर फिलहाल इस पर देवेंद्र बबली अपनी दावेदारी ठोकेंगे। इस मौके पर पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में बदलाव की हवा चल रही है और जनता बदलाव चाहती है। गोहाना से देवेंद्र सिंह बबली और प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की जोड़ी परिवर्तन की नींव रखने का काम करेगी। हरियाणा में परिवर्तन की नींव रख दी गई और जननायक जनता पार्टी आज एक ऐसी ताकत बनकर प्रदेश में परिवर्तन लेकर आई है। हरियाणा प्रदेश में जहाँ एक नई सरकार बनाएगी, हमें तो एक ऐसी ताकत मिली है जहाँ अगर हम दोनों को एक कर दें, एक और एक 11 की जोड़ी को मैदान में उतार दें, तो सीधा 80,000 वोट आज जननायक जनता पार्टी के साथ देवेंद्र बबली जी के जोड़ने से आए हैं।